दोस्तों, चाहे आप किसी भी चैनल पर काम करते हो, चाहे आपका कोई शॉर्ट्स का चैनल है, चाहे आपका कोई लॉन्ग का चैनल है, चाहे आप अपने चैनल पर ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाते हो, हर किसी के लिए आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हर एक नया यूट्यूबर जब अपना चैनल बनाता है, चैनल बनाने के बाद वीडियो डालना स्टार्ट करता है, तो डालने के समय उसके दिमाग में एक टारगेट रहता है कि कब मेरे चैनल पर ये 1000 सब्सक्राइबर, 4000 घंटे का वॉच टाइम, या फिर अगर शॉर्ट्स वाले हैं तो भैया 10 मिलियन व्यूज कब कंप्लीट होगा, जिससे हम अपने चैनल को मोनेटाइज करा पाएं। अब देखिए, आपके दिमाग में जो ये रहता है कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, या फिर 4000 घंटे का वॉच टाइम हो जाए, या फिर शॉर्ट्स वाले हो, मान चलिए ग्रीन स्क्रीन ही बनाते हो, या फिर कुछ भी बनाते हो, तो आपके दिमाग में जो रहता है कि 1000 सब्सक्राइबर, 10 मिलियन व्यूज हो जाए, फिर चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, पैसे आने लगेंगे, सिर्फ यही एक स्टेप नहीं होता है। जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है क्राइटेरिया और जब आप मोनेटाइजेशन के लिए भेजते हो, तो YouTube आपका चैनल मोनेटाइज करने से पहले कई सारी चीजें चेक करता है, और उन कई सारी चीजों में 7 चीजें हैं जो YouTube चेक करता है। और मुझे पता है आपको सिर्फ यही 2 चीज पता होगा कि हाँ, बस 1000 सब्सक्राइबर हो जाए, 4000 घंटे का वॉच टाइम हो जाए, या फिर शॉर्ट्स वाले हो तो भैया 10 मिलियन व्यूज हो जाए, बस हमारा काम हो गया, मोनेटाइज हो जाएगा। नहीं, 7 चीजें YouTube चेक करता है, और अगर ये चीज आपने नहीं किया है, किसी भी चीज में कमी हो गई, तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और फिर आप बोलोगे, सर काम भी किया, मेहनत भी किया, क्राइटेरिया भी कंप्लीट किया, लेकिन मोनेटाइज ही नहीं हुआ। अब देखिए, ये काम ना हो कि भैया आप मोनेटाइज के लिए भेजो, आपका रिजेक्ट हो जाए इसी वजह से, उसके पहले ही आप ये वीडियो पूरा देख लो, और जो 7 चीजें यूट्यूब चेक करता है वो आप खुद के चैनल से मिला लो, आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ, ये 7 चीजें मेरी ठीक है, जैसे ही मेरा यह क्राइटेरिया कंप्लीट होगा, अब मेरा चैनल मोनेटाइज कर दिया जाएगा। और ग्रीन स्क्रीन वाले हो तो भैया ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि काम तो कर रहे हो, वीडियो वायरल भी जा रहा होगा, लेकिन जब मोनेटाइज करने के लिए जाओगे तो आपका भी यही 7 चीज चेक करेगा, जो कि आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। अब क्या 7 चीज चेक करेगा, पूरा ध्यान से समझ लेना, समझने के बाद जब एक बार दिमाग में आ जाएगा तो फिर आज के बाद कभी भी ये सारी चीजें जो 7 चीज है, ये इसमें आपका कोई ना मिस्टेक होगा और ना मोनेटाइजेशन में कोई प्रॉब्लम होगी। अब क्या 7 चीजें हैं जो यूट्यूब चेक करता है, चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूं, वीडियो पूरा देखिएगा। अब सबसे पहले चलते हैं, पहली चीज यूट्यूब क्या चेक करता है, जो आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि सर पहली चीज यूट्यूब चेक क्या करता है। अब पहली चीज ध्यान से देखिएगा, पहला चीज मैं बताने वाला हूं, फर्स्ट चीज मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। 7 चीजें चेक करता है, 7 में पहली चीज ध्यान से समझिए क्या चेक करता है, कि आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर है या नहीं है। अब आप बोलोगे, सर क्या बात कर रहे हो, जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक हम चैनल को मोनेटाइज के लिए भेज ही नहीं पाएंगे, तो यूट्यूब ये काहे के लिए चेक करेगा कि 1000 सब्सक्राइबर है या नहीं, किस लिए करता है। मान के चलिए आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो गए, आपने मोनेटाइजेशन के लिए भेज दिया, लेकिन आप सबको पता है कि कुछ सब्सक्राइबर कम भी होते हैं, मान चलिए उन्होंने अनसब्सक्राइब कर दिया, या फिर कुछ डेड सब्सक्राइबर हैं तो यूट्यूब उनको कुछ रिमूव कर देता है। तो जब मोनेटाइजेशन के लिए आप भेज देते हो तो उस टाइम करंट में चेक करता है कि 1000 सब्सक्राइबर है या नहीं है, कि पता चला 990 हो चुके हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई 10 सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइब कर दिए, या फिर मान चलो डेड सब्सक्राइबर थे तो यूट्यूब ने रिमूव कर दिए। यूट्यूब देखता है कि अभी जब आप अप्लाई कर चुके हो तब आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर है या नहीं है। इसीलिए हमेशा बोलता हूं कि सिर्फ क्राइटेरिया कंप्लीट होते ही आप मोनेटाइजेशन के लिए मत भेजो, 1000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो जाए तभी भेजो, 1200 हो गए, 1500 हो गए, 2000 हो गए, तब आप मोनेटाइज के लिए भेजो, मिनिमम कम से कम 100-200 एक्स्ट्रा हो तब मोनेटाइजेशन के लिए भेजो। तो पहला चीज तो यह चेक करता है 1000 सब्सक्राइबर है या नहीं है। अब दूसरी चीज क्या चेक करता है, दूसरी चीज यूट्यूब चेक करता है, मान चलिए आप लॉन्ग वाले हो तो चेक करता है कि आपने जब अप्लाई किया है तो आपके चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट है या नहीं है, और शॉर्ट्स वाले हो तो चेक करता है 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट है या नहीं है। आप बोलोगे, सर ये तो पहले से कंप्लीट होगा तभी तो हम अप्लाई करेंगे, सेम वही सब्सक्राइबर वाली चीज है कि भैया आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम मान चलिए जब आपने अप्लाई कर दिया तो कम हो गया हो। अब आप बोलोगे, सर ये कैसे कम होता है, भाई वीडियो अगर एक डिलीट कर दिए किसी वजह से, या किसी वजह से यूट्यूब ने ही रिमूव कर दिया, कोई आपको स्ट्राइक वगैरह नहीं दिया, किसी कोई भी ऐसा, बहुत सारे ऐसे होते हैं कम्युनिटी गाइडलाइंस जिसके वायलेंस से आपको स्ट्राइक तो नहीं मिलती है लेकिन वीडियो आपका रिमूव कर दिया जाता है। अब मान चलिए आपका वीडियो ही रिमूव कर दिया गया, मान चलिए ग्रीन स्क्रीन वाले हो, किसी ऐसे शॉर्ट्स पर आपने ग्रीन स्क्रीन बना दिया है कि उसकी सेटिंग चेंज हो गई और आपका वीडियो रिमूव हो गया, तो जब वीडियो रिमूव हो जाता है तो आपका वॉच टाइम व्यूज
कम कर दिया जाता है, यानी कम हो जाता है, जो वीडियो हटता है उसका जितना वॉच टाइम या फिर व्यूज रहता है वो कम हो जाता है। तो यूट्यूब ये भी चेक करता है कि मोनेटाइजेशन के लिए जब अप्लाई किए हो तो आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम है कंप्लीट या अभी नहीं है, या फिर 10 मिलियन व्यूज है कंप्लीट या नहीं है। इसलिए बोलता हूं कि ये दोनों क्राइटेरिया जब जरूरत से ज्यादा हो तभी अप्लाई करिए। जैसे आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम मांगा जाता है तो कम से कम 4500 घंटे, 4400 घंटे, 4200 4300 घंटे हो जाए तब अप्लाई करो। और 10 मिलियन व्यूज वाले शॉर्ट्स वाले हो तो 10 मिलियन पर मत अप्लाई कर दो, कम से कम 11 मिलियन 12 मिलियन होने दो तब अप्लाई करो। ये दो चीजें समझ गए? आप बोलोगे हां सर, दो चीजें समझ गया, दिमाग में घुस रहा है कि हां क्या-क्या चीजें चेक करता है। अब थर्ड चीज जिसके बारे में कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्या कि आपने अपने चैनल का टू स्टेप वेरिफिकेशन किया है या नहीं किया है, यह भी यूट्यूब चेक करता है। आप जाओगे मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया में मोनेटाइज वाले सेक्शन पर तो ये आपके 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम जहां सारा कुछ दिखता रहता है, नीचे टू स्टेप वेरिफिकेशन भी दिखता रहता है। अगर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन किया है तो ऐसे टिक का निशान लगा रहता है, नहीं किया है तो वो खाली रहता है, वहां पर आता है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन करो, लॉक का ऐसे आइकॉन रहता है। अब टू स्टेप वेरिफिकेशन करना बहुत बड़ा साइंस नहीं होता है, सीधा सजाओ क्लिक करो उस पर टू स्टेप वेरिफिकेशन पर, वहां पर क्लिक करते ही आपका एक ईमेल आईडी सेलेक्ट करने के लिए बोलता है, ईमेल आईडी सेलेक्ट करो। इसके बाद मोबाइल नंबर जो आपके पास है अपना जाओ, कंट्री इंडिया सेलेक्ट करो, मोबाइल नंबर अपना डालो और इसके बाद क्लिक करोगे तो एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालो और इसके बाद कंफर्म कर दो आपका जो मोबाइल नंबर रहेगा, मतलब मोबाइल नंबर जो ओटीपी आया रहेगा उस ओटीपी को डालते ही आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ एक मिनट का काम होता है, बहुत बड़ा ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है कि आप समझ नहीं पाओगे क्या करना है, नॉर्मल है। उस पर क्लिक करते ही आपको मांगेगा कि कौन सा ईमेल लेना है, वो ईमेल ले लेना। इसके बाद मोबाइल नंबर पूछेगा अपना, पहले कंट्री जिस कंट्री के हो सेलेक्ट कर लेना, इसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना, क्लिक करोगे उसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, डालकर जैसे कंफर्म करोगे आपका टू स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो तीसरी चीज समझ गए क्या देखता है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट है या नहीं है। अब बात करते हैं चौथी चीज को, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। चौथी चीज YouTube क्या चेक करता है, ध्यान से समझिएगा। चौथी चीज YouTube चेक करता है कि आपके चैनल पर कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक तो नहीं है। अगर पहले से है तो भाई आप अप्लाई ही नहीं कर पाते हो, लेकिन मान चलिए आपने अप्लाई कर दिया और उसी एक दो घंटे चार घंटे बाद आपको मिल गया, तो YouTube देखता है कि कोई कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक तो आपके चैनल पर नहीं है, वरना पता चला आपने अप्लाई किया है आपका स्ट्राइक है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं करेगा जब तक वो स्ट्राइक एक्सपायर ना हो जाए। भैया 30 दिन 90 दिन जब भी वो एक्सपायर होगा आपका स्ट्राइक, तब जाकर आप अप्लाई कर सकते हो, तभी जाकर मोनेटाइज होता है। अब देखिए अगर ग्रीन स्क्रीन वाले हो या फिर शॉर्ट्स वीडियो बनाते हो तो आप लोग ज्यादा थोड़ा सतर्क रहिएगा, कभी भी जो आप शॉर्ट्स बनाओ उसमें कुछ वायलेंस वाली चीजें मत दिखाना, क्योंकि जब वायलेंस वाली चीजें दिखाते हो ना तो वही दिक्कत आती है, वहीं पर YouTube आपको स्ट्राइक वगैरह दे देता है। इसीलिए हमेशा अगर आप कुछ थोड़ा बहुत दिखा रहे हो जिसमें थोड़ा बहुत ऐसे कुछ टाइप का है कि कुछ ऐसे वायलेंस टाइप का, फिर कुछ भी ऐसा चीजें दिख रहा है, तो वहां पर आप छोटा सा अपने शॉर्ट्स में लिख सकते हो। भाई ग्रीन स्क्रीन वाले हो तो आप एडिट करके भी लिख देना, वहां पर टेक्स्ट जहां ऐड करने का ऑप्शन आता है, क्या लिखा जाता है ध्यान से समझिएगा, दिस वीडियो इज मेड फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पज। ठीक है, ये चीज आपको अपना छोटा सा नीचे वीडियो में लिख देना है। ये चीज लिखे रहोगे तो इस चीज से बच जाओगे कि थोड़ा बहुत अगर कुछ दिख गया है ऐसे वायलेंस वगैरह कुछ भी तो आपको स्ट्राइक वगैरह नहीं आती है, वरना तुरंत मिल जाता है। शॉर्ट्स वालों के लिए सबसे बड़ा खतरा तो यही रहता है, तो हमेशा ये छोटा सा अपने चाहे ग्रीन स्क्रीन में तो किसी में भी एडिट करके लगा देना, और ग्रीन स्क्रीन वाले हो तो भैया ऐड टेक्स्ट आता है ना उसमें करके एकदम छोटा सा नीचे पतला सा नीचे एकदम बिल्कुल नीचे ऐसे लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहती है। तो चौथी चीज क्या चेक करता है कि YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस स्ट्राइक तो आपके चैनल पर नहीं है कोई एक्टिव, ये चीज चेक करता है। अब चार चीजें हो गई है, पांचवी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने नोट किया हुआ है जिससे आपको एक प्रॉपर नॉलेज दे सकूं, कोई चीज इधर उधर ना हो। अब इसको चेक करने के बाद अब नई चीजें ऐड हो चुकी है, YouTube क्या चेक करता है भैया पांचवी चीज के बारे में अगर मैं बात करूं, अब नई चीज ये ऐड हुई है, अब इसमें चेक करता है कि आपके, यहां मैं लिख रहा हूं, आपके चैनल का क्या अबाउट सेक्शन। अब YouTube ये भी चेक करने लगा है आपके चैनल का अबाउट सेक्शन। अब जिस टाइप का आप कंटेंट बनाते हो, फैक्ट बनाते हो, कॉमेडी बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, वो चीज आपको मेंशन करना होगा अपने चैनल के अबाउट सेक्शन में कि हम ये चीज बनाते हैं अपने चैनल पर, मैं शॉर्ट्स कॉमेडी बनाता हूं, शॉर्ट्स का फैक्ट बनाता हूं, जो बनाते हो वो चीज मेंशन करो। अब ग्रीन स्क्रीन वाले हो तो भैया आपके लिए तो बहुत जरूरी है कि आपको ये मेंशन करना है कि मैं ग्रीन स्क्रीन का वीडियो बनाता हूं जो YouTube का दिया गया सिस्टम है, दूसरे के शॉर्ट्स पर रिमिक्स बटन पर क्लिक करके ग्रीन स्क्रीन ऑप्शन
ऑप्शन से मैं अपनी क्रिएटिविटी ऐड करके ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाता हूं। और ये चीज नहीं ऐड अगर करोगे, यूट्यूब को ये नहीं पता चला भैया ये ग्रीन स्क्रीन वीडियो बनाता है, अबाउट सेक्शन में चीज नहीं मेंशन की हो, तो ग्रीन स्क्रीन वाले चैनलों वालों का यही हो रहा है कि 50% से ज्यादा चैनल वीडियो बढ़िया बना रहे हैं लेकिन अबाउट सेक्शन में वो चीज मेंशन नहीं किए हैं, तो वहीं पर उनका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उनको क्या मिल जाता है? उनको मिल जाता है कि भैया आपका जो चैनल है वो रीयूज कंटेंट है, ऐसे करके दे दिया जाता है। मतलब यूट्यूब को लगता है भाई आप दूसरे के शॉर्ट्स पे पता नहीं क्या करके डाल दे रहे हो, लेकिन जब आप ये मेंशन करते हो कि मैं ग्रीन स्क्रीन के ऑप्शन का यूज करके बनाता हूं, तो यूट्यूब जान जाता है, जो चेक करने वाली टीम होती है, कि हाँ यूट्यूब ने जो सिस्टम दिया है रिमिक्स बटन पर क्लिक करके दूसरे के शॉर्ट्स पर ग्रीन स्क्रीन बनाने का, वो बंदा ये चीज यूज करता है और अपनी क्रिएटिविटी जो आवाज वगैरह होती है वो चीज ऐड करके डालता है। और आप चाहे फैक्ट भी बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, चाहे लॉन्ग वाले हो, जो भी बनाते हो, जो चीज बनाते हो, उसको आप मेंशन कर दो अपने अबाउट सेक्शन में कि हाँ मैं इस तरीके का, इस टाइप का कंटेंट अपने चैनल पर बनाता हूं, क्योंकि यूट्यूब सबसे पहले अबाउट सेक्शन चेक करता है, फिर उसको जो टीम होती है उसको तब आइडिया रहता है कि हाँ ये चीज ये बंदा बनाता है, तब जाकर वो आपके चैनल में जाकर चेक करता है कि आप क्या बना रहे हो। क्लियर हो गया? 5 चीज क्लियर हो गया। अब छठी चीज ध्यान से देखिएगा, क्या देखता है यूट्यूब? छठी चीज यूट्यूब देखता है कि आपके चैनल का, ध्यान से समझिएगा, चाहे लॉन्ग वाले हो चाहे शॉर्ट्स वाले हो, आपके चैनल का मोस्ट वायरल वीडियो यूट्यूब चेक करता है। अब ये किस लिए चेक करता है ध्यान से समझिएगा, मोस्ट वायरल वीडियो इसलिए यूट्यूब चेक करता है कि भैया आपने अबाउट सेक्शन में डाला हुआ है कि मैं अपने चैनल पर फैक्ट बनाता हूं, मैं अपने चैनल पर कॉमेडी बनाता हूं। अब मान चलिए कोई चीज चल रही है, आपने उसका वीडियो कहीं का क्लिप वगैरह काट वाट के डाल दिया और वो वीडियो वायरल चला गया। अब YouTube ये देखता है कि बंदा डाला है फैक्ट बनाता हूं और इसके चैनल पर 100 वीडियो में 99 वीडियो फैक्ट वाले हैं, लेकिन एक वीडियो कोई चीज कट करके किसी का कुछ भी या फिर अलग टाइप का कंटेंट डाल दिया है, वो वायरल गया है और उससे क्राइटेरिया कंप्लीट हुआ है, तब ये मोनेटाइज के लिए भेजा है, तो वहां पर भी आपका मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर देगा। आप जिस टाइप का कंटेंट अपने चैनल पर बनाते हो उसी टाइप का कंटेंट वायरल गया है जो आपने अबाउट सेक्शन में मेंशन किया है, तभी जाकर आपका YouTube चैनल आपका मोनेटाइज करता है। इसीलिए YouTube चेक करता है कि मोस्ट वायरल वीडियो क्या है, किस टाइप का कंटेंट मोस्ट वायरल वीडियो है, चाहे शॉर्ट्स बनाते हो चाहे लॉन्ग, और उसके बाद चेक करता है कि भैया मोस्ट वायरल वीडियो ये है तो इसने अबाउट सेक्शन में क्या चीज लिखी है, और टाइप का जो कंटेंट बनाता है वो किस टाइप का है, सारी चीजें जब मैच करता है तब जाकर मोनेटाइज करता है। और ग्रीन स्क्रीन वाले हो तो भैया आपके लिए सबसे जरूरी बात यह है कि बहुत सारे लोग हैं जो पहले गलती करके बिना आवाज के ये से मुंडी हिलाकर वीडियो बनाकर डाल देते थे, वायरल भी उनका चला गया है, अब उनको पता चला है कि ये गलत तरीका है, अब हमको आवाज के साथ बनाकर डालना है। तो ध्यान देना, अगर आप आवाज डालकर आप बना रहे हो तो आपका अगर मोस्ट वायरल वीडियो वो वाला वीडियो है जो मुंडी हिलाकर आपने बनाया था, आवाज नहीं डाला था, तो आपका भी मोनेटाइज नहीं होगा। इसलिए सबसे बेस्ट है कि अगर आपने ऐसा कोई कंटेंट बनाया था जिसमें आपने अपनी आवाज नहीं डाली थी, सिर्फ मुंडी हिलाकर बनाया था ना, तो भाई वो सारे वीडियो आप प्राइवेट करके तब आप भेजो YouTube के पास मोनेटाइजेशन के लिए। या फिर लॉन्ग वाले हो या फिर किसी टाइप के चैनल वाले हो, आपको ऐसे लगता है कि कोई मैंने गलत वीडियो डाला था जो कि वायरल चला गया था, मुझे इसको नहीं दिखाना है YouTube टीम को, तो वो वीडियो हमेशा आप प्राइवेट करके जो आपका खुद का कंटेंट है जो वायरल गया है उसी चीज को आप YouTube के पास भेजो, क्योंकि मोस्ट वायरल वीडियो से ये चीजें YouTube चेक करता है। और ग्रीन स्क्रीन वाले जो सही तरीका प्रॉपर तरीका बताया हूं वैसे ही बनाकर आप वीडियो बनाकर वही सारा कुछ अपने चैनल पर रहने देना। मोनेटाइज के टाइम कोई ऐसा वीडियो मत रहने देना कि जिसमें आपने मुंडी हिलाकर वैसे ही बनाकर छोटा सा फोटो दिखाकर चेहरा दिखाकर मुंडी हिलाकर बना दिया है। अगर वो वीडियो रहेगा मोनेटाइजेशन के टाइम और वायरल गया है तो अगर यूट्यूब की नजर में वो वीडियो आ गया तो वो भी रिजेक्ट कर देगा आपका मोनेटाइजेशन, उसको लगेगा ये ऐसे ही बिना क्रिएटिविटी के बना रहा है, भले ही आपका एक दो वीडियो ही वैसा है। उस वीडियो को प्राइवेट करके जो आपकी क्रिएटिविटी वाला वीडियो है वही टाइप का वीडियो हमेशा पब्लिक रहने देना, तब भेजना मोनेटाइजेशन के लिए, जिससे कोई दिक्कत ना हो। 6 चीजें यहां पर क्लियर हो गई। अब लास्ट चीजें ध्यान से समझिएगा, 7वीं चीज YouTube क्या चेक करता है, 7वीं चीज YouTube चेक करता है, ध्यान से समझिएगा, मोस्ट वायरल वीडियो का व्यू सोर्स YouTube चेक करता है। अब इसका मतलब आपने समझा कि जो आपका मोस्ट वायरल वीडियो गया है, चाहे शॉर्ट्स हो चाहे लॉन्ग हो, जो मोस्ट वायरल वीडियो गया है उसका व्यू सोर्स क्या है, यानी उसका व्यू कहां से आया है, क्योंकि कई सारे लोग गलत तरीके से गलत जगहों से व्यूज लेकर सोचते हैं मोनेटाइज करा लें। तो YouTube ये भी देखता है कि आपके व्यूज का सोर्स क्या है, जो वायरल गया है, इतने लाख व्यूज गया, इतने मिलियंस व्यूज गया,
तो वो कहां से वीडियो का व्यूज आया हुआ है, YouTube ने वायरल किया है या आपने कहीं से वो व्यूज लिए हुए हैं, खरीदे वगैरह हुए हैं, ये सारी चीजें चेक करता है। अब YouTube वायरल करेगा तो ब्राउज फीचर से, YouTube सर्च से, रिकमेंडेशन से, यहां से व्यूज आता है, तो YouTube वो समझ लेगा कहां लाया है। अब मान चलिए आपने कहीं से लिया है, किसी के थ्रू लिया है, गलत तरीके से लिया है, तो वो दिख जाएगा भैया डायरेक्ट व्यूज ये आए हुए हैं, YouTube इससे समझ जाएगा और उससे भी मोनेटाइजेशन आपका रिजेक्ट कर देता है। इसीलिए सातवीं चीज चेक करता है कि आपका जो मोस्ट वायरल वीडियो है उसका व्यूज का सोर्स कहां से है, यानी वो व्यूज आए कहां से है। ये सात चीजें YouTube चेक करता है। आई होप सातों चीजें आपके दिमाग में घुस चुकी होंगी, चाहे लॉन्ग बनाते हो चाहे शॉर्ट्स बनाते हो, ये सातों चीजें अगर आपके दिमाग में आ चुकी हैं तो अब आप आगे से गलती नहीं करोगे। और मान चलिए कुछ गलती किए हुए हो पहले से तो कमेंट करके बताना, और किए हुए हो तो कैसे सही करोगे वो भी बता दिया है। ये सात चीजें यूट्यूब चेक करके तब आपके चैनल को मोनेटाइज करता है। नए यूट्यूबर हो, काम कर रहे हो, आपके मन में ये है, आपका एक सपना है कि चैनल मोनेटाइज हो, हम पैसे कमाएं, लेकिन मोनेटाइज करने के लिए जब भेजो आपका वो सपना टूटे ना कि भैया रिजेक्ट कर दिया गया है, उसी लिए ये जरूरी वीडियो की सात चीज क्या चेक करता है वो आपका भाई आपको बता दिया है। आई होप क्लियर हो गया होगा। कैसा लगा आपको कमाल का वीडियो, चाहे ग्रीन स्क्रीन बनाते हो, चाहे शॉर्ट्स बनाते हो, चाहे लॉन्ग, कॉमेंट करके बताना। दिल से वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो बिना बोले लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। चैनल पर नए हो, चैनल से नहीं जुड़े हो तो फटाफट सब्सक्राइब बटन दबा के बगल जो घंटी दिया गया उसको दबाकर ऑल पर सेलेक्ट करना, जिससे मैं जो भी आगे वीडियो लाऊं सारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दो कमाल के वीडियो आपको सामने दिख रहे होंगे, जाकर आप देख सकते हो, कमाल की नॉलेज ले सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया कॉन्टेंट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।